दोस्तों पूरे दुनिया में मछलियों की 32,000 से भी ज़्यादा प्रजाति मौजूद है, जिसमें से कुछ बहुत ही रेयर एंड यूनिक होते हैं, जिसमें से एक ये सीप बन्नी और ये ड्रैगन जैसे दिखने वाले मछली। इन सारे मछलियों के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 10 पेलिकन ईल। ये फिश की आजू सी दिखने वाली मुँह के लिए इसे अम्ब्रेला फिश भी कहा जाते हैं। पेलिकन फिश ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती है। ये मछली समुंदर की 3000 मीटर गहराई में रहना पसंद करते हैं। ये फिश ज़्यादा अपना नॉर्मल फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन शिकार करने समय अपना मुंह को कुछ इस तरह से काट लेते हैं ताकि अपना शिकार को एक बार में मुंह के अंदर निकाल पाए। ज्यादातर ये मछली समुंदर की दूसरी छोटी क्रिएचर्स और छोटे मछली को खाना पसंद करते हैं। नंबर 9 सी लिप ड्रैगन। ये फिश ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलते हैं। ये फिश समुंदर की 160 फीट गहराई में रहना पसंद करते हैं, जिसके वजह से समुंदर की गहराई में इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर्स 10 से 12 इंच होने के साथ ही साथ दिखने में समुंदर की पौधे के तरह लगते हैं। ये मछली पौधे के अंदर खुद को ऐसे छुपा लेते हैं जिसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो जाते हैं। इसका शेप ड्रैगन का जैसे होने का चलते इसे सी लिप ड्रैगन का नाम से जाना जाते हैं। ये मछली 8 से 12 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन के वजह से ये मछली धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। नंबर 8 सी बनी। सी बनी एक बहुत ही क्यूट सा देखने वाली जीव है, जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये जीव जमीन पर रहते हैं। इस फिश का दोनों कान ऐसे खड़े होते हैं जैसे एक छोटा सा खरगोश हो। ये सीबनी कान का उपयोग सुनने के लिए तो करता ही है, इसके साथ ही साथ इसकी उपयोग पानी की बहाव को समझने के लिए भी करते हैं। ये देखने में जितना क्यूट होते हैं उतना ही दूसरे जीवों के लिए खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि कोई बड़ी जीव अगर इसे शिकार करने के लिए आते हैं तो ये अपना शरीर से बहुत ही जहरीला पदार्थ निकालते हैं, जिसके बजाय कोई भी बड़ा जीव एक बार अटैक करने से ही दोबारा अटैक और नहीं करते हैं। भले ही ये दूसरे जीवों के लिए खतरनाक हो, लेकिन इंसानों के लिए ये बनी की जहर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जिसे कैंसर का दवाई बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। नंबर 7 सी रबिन। ये फिश ज़्यादातर इंडो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन में देखने के लिए मिलते हैं। सी रबिन की अलग अलग 50 से भी ज़्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। ये फिश की एक खास बात होती है, जो समुंदर की तल पर अपना पैरों का सहारा लेकर चलते हैं। ये छोड़कर भी ये फिश का पंख इतना बड़ा होता है जो एक पक्षी की पंख की तरह लगते हैं, जो दिखने में काफ़ी अमेजिंग होते हैं। ये फिश जब अंडे देते हैं तो 60 घंटे के अंदर अंडा फूट के बाहर निकलती है। ये फिश लंबाई में 12 से 16 इंच तक ही होते हैं। नंबर 6 बैरली फिश। ये फिश एक ऐसा फिश है जो बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये फिश समुंदर की बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं। इस फिश को अभी तक इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन में ही देखा गया है। ये फिश नॉर्मल फिश से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि ये फिश का आगे की तरह जो दोनों आँखें दिख रहे हो वो इनका असली आँखें नहीं होते हैं, वो नकली आँख होते हैं। ये मछली की असली आँख सर पर होते हैं, जिसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी आँखें ट्रांसपेरेंट दिखती है। ये फिश की सर पे आँख होने का चलते इन्हें सामने और ऊपर में दोनों साइड में देखने के लिए मिलते हैं। ये मछली को शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ते हैं, क्योंकि ये समुंदर की छोटे छोटे पार्टिकल को कंज्यूम करते हैं। ये फिश इतना रेयर है कि साइंटिस्ट भी अभी तक इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं दे पाए हैं। नंबर 5 बेटा फिश। ये खूबसूरत दिखने वाली फिश ज़्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। दुनिया में ये प्रजाति का अलग अलग 73 प्रजाति पाए जाते हैं। ये खूबसूरत सी दिखने वाले मछली 6 से 8 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। ये मछली रेड, ब्लू, व्हाइट कलर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये मछली इतना खूबसूरत होते है आप अपना आँखों से ही देख लीजिए। ज़्यादातर ये मछली को इंसान अपना घर में पालना पसंद करते हैं। नंबर 4 द ब्लॉब फिश। समुंदर के अंदर बहुत ही खूबसूरत मछली पाए जाते हैं, लेकिन ब्लॉब फिश को आप सबसे बदसूरत मछलियों में से एक मान सकते हो, क्योंकि समुंदर का पानी में 3000 फीट गहराई में पाए जाते हैं, जहां पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जब इस फिश को पानी के बाहर निकाला जाते हैं तब इनकी शक्ल किसी ओल्ड मैन जैसा हो जाती है। ये मछली समुंदर की इतना गहराई में रहने के बावजूद भी बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं। ये ज़्यादातर समुंदर तल में रहने वाली केकड़ों को अपना शिकार बनाती है। नंबर 3 रेड लिप बैट फिश। ये फिश ज़्यादातर पसंद महासागर में पाए जाते हैं। ये मछली की पूरे वर्ल्ड में 60 अलग अलग प्रजाति पाए जाते हैं, जो समुंदर की 100 फीट गहराई में रहना पसंद करते हैं। ये मछली दुनिया की यूनिक क्रिएचर्स में से एक है, जो इसकी लाल होंठों के लिए जाना जाते हैं। ये फिश समुंदर के गहराई में ऐसे छुपा रहता है जो दूसरी समुंदर के जीव इसके पास खुद भजन बन के आ जाते हैं। ये मछली लंबाई में 8 इंच और वेट में 2 पाउंड की होते हैं। नंबर 2 नोटिलस फिश। ये फिश दुनिया की एक ऐसे फिश है जो अर्थ पर पाए जाने वाली 500 मिलियन सालों से है, यानी 500 करोड़ सालों से रहते हुए आई है। ये फिश डायनासोर के आने से 26.5 करोड़ साल पहले ही दुनिया में अपना जगह बना के रखे है। ये फिश अपना सेल के अंदर रहने के चलते दूसरे सारे फिशों से अपने आप को एक अलग पहचान बनाते हैं।
और ये सेल दूसरे बड़े जीवों से बचने के लिए भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये फिश शिकार करने के लिए ज्यादातर रात में बाहर निकलती है। नंबर वन, ग्लोकस एटलांटिकस। इसे कुछ लोग मछली नहीं मानते हैं बल्कि ब्लू ड्रैगन मानते हैं। ये समुन्द्र की ऐसे क्रिएचर है जो दिखने में बिल्कुल ड्रैगन जैसे लगती है। इसका पूरा शरीर में नीले पट्टे बने रहते हैं और ड्रैगन जैसे पखनों पर ही ये पट्टे दिखाई देते हैं। ये दिखने में इतना खूबसूरत होते हैं कि कोई भी इंसान इसको छूना चाहेगा, लेकिन ऐसा करने में बहुत ही खतरा है क्योंकि इसका शरीर जहर से भरे हुए होते हैं जिसका एक डंग से ही इंसान का मौत भी हो सकता है। दोस्तों कैसे लगा ये यूनिक और रेयर फिशों के बारे में जानके कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसे मजेदार और नॉलेजेबल फैक्ट आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक।